हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो दोस्तों, आज हम एक्सेल में एक नया ट्रिक सीखेंगे जिसमें आप एक्सेल की शीट अनलॉक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा बहुत बारी आप एक्सेल की शीट को लॉक करते हैं और उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर आप उसमें कुछ भी एडिट करना चाहें वो आप नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिसमें ना कोई मैक्रो की जरूरत है, ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत है। आप शीट अनलॉक कर सकते हैं अगर इन केस आप उसका पासवर्ड भूल जाएं। तो वो हम कैसे करते हैं, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे पास शीट है, शीट वन जिसमें डेटा है 2017 का और शीट टू जिसमें 2018 का डेटा है। अब मैं शीट वन को लॉक कर देता हूं। तो हम लॉक कैसे करते हैं, हम अपने रिव्यू में जाते हैं। रिव्यू में जाके यहां प्रोटेक्ट शीट है, प्रोटेक्ट शीट कर दीजिए। मैं कुछ भी एक पासवर्ड डाल देता हूं, मैं डाल रहा हूं कैपिटल ए बी सी 1 2 3 4 एंड 5। मैं ओके करता हूं, इसने बोला कि पासवर्ड फिर से बताओ, कैपिटल ए बी सी 1 2 3 4 एंड 5। मैंने पासवर्ड डाला, मैंने सेव कर दिया। अब ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है, ये देखिए, आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहें आप नहीं कर सकते। ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट दे देगा दैट दिस शीट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड और आप कोई भी सेल में यू कैन नॉट एडिट एनीथिंग। सो आप अगर इस शीट का पासवर्ड भूल गए हो और आपको इस शीट में एडिट करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। ये वाला मैंने शीट क्लोज कर दिया है, मैं सेव कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। अब ये देखिए, ये मेरी शीट है जो लॉक हो चुकी है। मैं सबसे पहले इस शीट का नेम चेंज कर दूंगा। आप नेम चेंज करेंगे जिप एक्सेल एक्स एस एक्स से आपने इसका नेम चेंज कर दिया जिप। जैसे ही आप नेम चेंज करेंगे ये आपको एक प्रॉम्प्ट दे देगा दैट यू आर चेंजिंग द एक्सटेंशन, यू माइट नॉट बी एबल टू ओपन द फाइल। आप कहेंगे ओके श्योर इट्स ओके, तो आपने ओके कर दिया, ये आपका एक zip फाइल बन गया है। अब इस zip फाइल को आप राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट ऑल कर दीजिए। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे बोलेगा डेस्टिनेशन, मैं बोलूंगा मुझे यही चाहिए। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे एक फाइल आपको एक और यहां पे दिख जाएगी। ये देखिए आपकी जो फाइल का नेम था zip जो आपने कन्वर्ट किया था, सेकेंड वन जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है। तो हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है हमें उस वाली फाइल को ओपन करना है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे। आपको अंडरस्कोर res को नहीं ओपन करना, डॉक को नहीं ओपन करना, xl को ओपन करना है। जैसे आप xl को ओपन करेंगे इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं, आपको वर्कशीट को ओपन करना है। यहां पे आपको आपकी आपकी जितनी भी शीट्स बनी होंगी वो आपको दिख जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी दो शीट बनी थी जिसमें से हमने फर्स्ट शीट को लॉक किया था। तो मैं फर्स्ट शीट को राइट क्लिक करता हूं और ओपन करूंगा, ओपन विथ नोट पैड। मैं जैसे ही नोट पैड में ओपन करूंगा ये कुछ XML की कोडिंग्स आ जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं कोडिंग्स आ चुकी हैं। अब इन कोडिंग में मैं कंट्रोल एफ करके प्रोटेक्शन, रिमेंबर फ्रेंड्स प्रोटेक्शन फाइंड करना है आपको। मैं PRO टाइप करता हूं, ये देखिए प्रोटेक्शन मेरे पास फाइंड हो गया है। अब दोस्तों प्रोटेक्शन का मतलब ये जब भी ये XML की कोडिंग होती है फ्रेंड्स, ये हमेशा एक ग्रेटर देन के साइन से और लास्ट में जाके स्मॉलर देन के साइन में बंद हो जाती है। ये देखिए प्रोटेक्शन का डेटा ये रहा, यहां से शुरू हुआ है और यहां पे जाके मेरा फिनिश हो गया। तो आपको ये प्रोटेक्शन जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब साइन जहां से शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, इंक्लूडिंग योर साइंस, यू नीड टू डिलीट द एंटायर थिंग। आप डिलीट प्रेस कर देंगे तो एंड टू एंड डिलीट हो गया है। आप इसे सेव कर दीजिए, जैसे आप सेव कर देंगे आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब आपको वापस नॉर्मल स्टेज में आना है, आपने इसके अंदर एडिट किया था, आप इसे राइट कंप्लीट को सिलेक्ट कर लीजिए, आप राइट क्लिक करिए। अब आप
जिप कर लीजिए फिर से। जैसे आप जिप करेंगे ये यहां पे एक जिप फाइल आ जाएगी, ये रही। अब आप इस फाइल का नेम चेंज कर दीजिए। हमारी फाइल का नेम था XLSX, मैंने ओके कर दिया। इसने फिर से बोला आप एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं, मैंने कहा यस। ये देखिए फाइल का नेम चेंज हो गया है, फाइल करके XLSX में सेव हो गई है। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, फाइल ओपन हो रही है यहां पे मेरी, 100% कंप्लीटेड। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इस शीट में पासवर्ड लगाया था। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू राइट समथिंग इन दिस शीट, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू एडिट 2019। देखिए फ्रेंड्स, वी आर एबल टू डू इट, दैट मीन्स पासवर्ड हैज बीन रिमूव्ड, पासवर्ड रिमूव हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल है ये तरीका पासवर्ड रिमूव करने का। मैं एडिट कर सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं इसमें। सो ये फ्रेंड्स आज का टॉपिक था, जिसमें हम विदाउट मैक्रो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर वी कैन रिमूव द पासवर्ड। सो हमने यहां पे पासवर्ड रिमूव कर दिया है। अगली वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें हम मैक्रो के थ्रू भी पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस करिएगा और आपके कमेंट्स देना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।